नमस्कार दोस्तों, ड्रूपल 7 हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक नए मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे, जो कि है कि एक क्विक टैप। क्विक टैप दोस्तों, हम लोग अपनी वेबसाइट या किसी भी टाइप की वेबसाइट है जिसमें हमें एक पेज पे मैक्सिमम कंटेंट दिखाना है, कि थोड़ा स्क्रॉलिंग की प्रॉब्लम होती है कि पेज बहुत लंबा हो रहा है, तो आप किसी भी पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं। मतलब थोड़ा देखने में अच्छा लगता है कि किसी टाइप का क्विक टैब, मतलब टैबिंग सिस्टम आ जाता है ड्रूपल का, तो वो किस तरीके से हम अपनी ड्रूपल की वेबसाइट में यूज़ करेंगे वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, जो भी आपका वर्ज़न है ड्रूपल 7 का। हमने ड्रूपल 7 यूज़ किया है, तो हम ड्रूपल 7 डाउनलोड कर लेंगे और इसको मॉड्यूल की डायरेक्टरी में रख लेंगे। दोस्तों, इसको इनेबल करते हैं, मॉड्यूल के पेज पर चलते हैं। जी है आपका हमारा क्विक टैब, ठीक है। तो क्विक टैब इंस्टॉल करने से पहले रिक्वायर है कि आप सी टूल्स यूज़ करेंगे, तो सी टूल्स आपको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, या एक साथ भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब सी टूल्स हमें चाहिए, तो सी टूल्स भी आप डाउनलोड करके अपनी डायरेक्टरी में रख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, क्विक टैब को इनेबल करते हैं। ये क्विक टैब के स्टाइल हैं, स्टाइल मतलब कि लुक वाइज थोड़ा चेंज हो सकता है, तो वो किस तरीके से दोनों चेंज होंगे हम लोग देख लेते हैं। हम लोग उसको सेव कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए बता रहा है सम एडिशनल रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स, तो हम लोग उसको कंटिन्यू कर देते हैं। सी टूल्स भी इनेबल हो गया हमारा, ये देखिए इनेबल हो गया। अब इसके चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन के पेज पर। तो ये है कॉन्फ़िगरेशन का पेज इसका, और जो हमने स्टाइल ऐड की थी वो है ये स्टाइल जो हमें टैब में आई है यहाँ पर। तो ये है वो स्टाइल लुक वाइज जो आपको देखने में, या फिर जिस तरीके से आप चाहते हो उस तरीके से यूज़ करना चाहते हो। तो ये कुछ स्टाइल्स उन्होंने दे रखी हैं इस तरीके से कि ये थोड़ा नव लिस्ट में आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके लिस्ट वाले पेज पर। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक ऐड करते हैं, एक लिस्ट ऐड कर सकते हैं, एक क्विक टैब ऐड करके देखते हैं। तो यहाँ पर आपको नाम देना पड़ेगा उसका, अकॉर्डियन यूज़ कर सकते हैं आप, यहाँ पर क्विक टैब यूज़ कर सकते हैं। हम लोग एक एक करके भी यूज़ करके देखेंगे किस तरीके से होता है। ये जो स्टाइल थी जो आप यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट टैब क्या है, मैं भी इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद अगर टैब जो भी आपने कंटेंट उसमें लोड कराना रहा है, अगर वो एम्प्टी है, मतलब खाली है, तो वो हाइड हो जाएगा। थोड़ी ये फंक्शनलिटी अच्छी है कि जैसे कि हमारा कोई कंटेंट हमने इसमें दिखाया था वो डिलीट हो गया है, तो क्या होगा कि वो एम्प्टी टैब आएगा। खाली टैब तो कोई पर्पज़ नहीं होता, तो उसको क्यों दिखाएंगे। तो उसके लिए हो जाएगा, ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा टैब की सेटिंग, टैब 1 जो हम यहाँ लिखेंगे, टैब 2 जो यहाँ लिखेंगे। और अगर आपको नया टैब ऐड करना है तो एक बटन दी यहाँ पर ऐड टैब की, वो यहाँ ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग इसमें क्या क्या दिखा सकते हैं, हम लोग इसमें ब्लॉग दिखा सकते हैं कि जो हमने ब्लॉग अपनी वेबसाइट में ड्रूपल 7 की बनाई है वो दिखा सकते हैं। नोट दिखा सकते हैं कि हमारा कोई पेज है, जैसे बेसिक पेज है, अबाउट अस पेज, वो पूरा पूरा पेज जितने भी आपने उसमें रखा वो पूरा नोट यहाँ पर दिख जाएगा। नोट के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसकी आईडी पास करनी पड़ेगी, नोट आईडी, जो कि आपकी यहाँ पर 1 2 3 जो भी हो, जो भी नोड आपकी आईडी हो वो पास करनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, हम लोग दो चीज़ यूज़ करते हैं इसमें, एक ब्लॉक यूज़ करते हैं और एक इसमें व्यू यूज़ करते हैं, ताकि थोड़ा सा अच्छे से दिखेगा। तो व्यू के लिए दोस्तों, सबसे पहले हमको व्यू इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो व्यू इंस्टॉल करने से पहले मॉड्यूल पर चलते हैं। तो आपको व्यू मॉड्यूल डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो ये हम इंस्टॉल कर लेते हैं, इनेबल कर लेते हैं। अब एक छोटा सा व्यू बना लेते हैं, जो कि हमारा स्ट्रक्चर में व्यू के अंदर ऐड न्यू। तो दोस्तों, इसमें हम लोग लेटेस्ट आर्टिकल करके एग्जांपल के लिए कैसे ले लेते हैं, कंटेंट टाइप में आर्टिकल ले लेते हैं, जो नया है वो सबसे पहले आएगा, ताकि तभी न्यूएस्ट फर्स्ट। अब इसका हम लोग एक ब्लॉग बना लेते हैं, कंटिन्यू एडिट, ठीक है। ये हमारा
जो हमने हमारी वेबसाइट पे तीन आर्टिकल है, तो तीन आर्टिकल आ रहे हैं। थोड़ा सा अच्छे देखने के लिए इसमें एक और फील्ड ऐड कर लेते हैं इमेज की, और इमेज फॉर्मेट रखते हैं एक 100 KB, 100 का 100x100 का, ठीक है। कंटेंट डाल देते हैं, अगर लिंक करेगा तो कंटेंट पे चला जाएगा, ठीक है। सेव कर देते हैं, अब सेव कर दिया, ठीक है। ये इस तरीके से देखिए, ये थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है, तो हो गया। तो हमारा क्या हो गया, हमारा एक व्यू बन गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्विक लिस्ट की तरफ, एक ऐड करते हैं क्विक टैब। तो हम लोग इसमें एक डैमो के लिए क्विक टैब डैमो ऐड करते हैं, ठीक है। इसमें अभी क्विक टैब रखते हैं, डिफ़ॉल्ट स्टाइल में हम लोग, आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं, हम लोग ये यूज़ कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट के बारे में बताता हूँ अभी मैं थोड़ी देर में। हाइड कर देते हैं अगर MPT आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग रख देते हैं माई ब्लॉक करके, जिसमें एक ब्लॉक है। अब इसमें हम लोग एक ब्लॉक रखते हैं और यही रख लेते हैं टेस्ट ब्लॉक करके, एक ब्लॉक बनाया था। और इसके बाद एक यहाँ पर लेटेस्ट आर्टिकल जो हमने अभी व्यू बनाया, तो आपको व्यू में क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये जो हमने हमारा एक आर्टिकल था लेटेस्ट, लेटेस्ट आर्टिकल बना दिया और ब्लॉक बना दिया, ठीक है। ब्लॉक हमने बनाया था, वो सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। अब दोस्तों हुआ क्या कि ये क्रिएट हो गया, जो हमारा क्विक टैब था वो क्रिएट हो गया। अब वो क्रिएट हो गया तो आएगा कहाँ पर दोस्तों, वो आएगा स्ट्रक्चर के अंदर, ब्लॉक के अंदर, ठीक है। अब ये ब्लॉक पे चलते हैं। अब जो हमने बनाया था क्विक डैमो, ये वो क्विक डैमो, ठीक है ये। तो आप इसको कॉन्फ़िगर करते हैं कि आप किस पेज पे इसको दिखाना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको रीज़न सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस रीज़न में दिखाना है। हमने कंटेंट में डाल दिया, फ़िलहाल के लिए हम ऑल पेज पे रखते हैं और सेव करते हैं। तो होम पेज पे चलते हैं, होम पेज पे भी आएगा। तो देखो, देखिए दोस्तों, ये वो क्विक टैब आ गया हमारा, ठीक है। अभी क्या इस पर क्लिक करेंगे, देखिए जो हमने माई ब्लॉग में रखा था वो कंटेंट आ रहा है, और जो लेटेस्ट आर्टिकल में रखा था वो ये आ रहा है, ठीक है। ये पूरे कंटेंट, ये लेटेस्ट आर्टिकल वाला आ रहा है। अब दोस्तों क्या है कि जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक ओपन होके नहीं आ रहा, जिससे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो करेंगे क्या कि हम लोग लिस्ट में चलते हैं, आप यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है। ये एडिट क्विक टैब का मोड है, यहाँ से भी जा सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे। अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट का पेज था, इसमें आप सेलेक्ट कर लो कि मेरा सबसे पहले कौन सा टैब बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हो गया है। अगर हम माई ब्लॉक करके करते हैं, देखिए अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ कि देखिए ओपन हो गया आ रहा है, ठीक है। कुछ और भी आप कर सकते हैं, जैसे आप ये आर्टिकल वाला करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं कि मेरा सेकंड ब्लॉग जो टैब है वो, ये देखिए आ रहा है। रिफ्रेश करेंगे आप तो ये इस तरीके से ये टैबिंग सिस्टम हो गया कि टैब के थ्रू हम अपनी, और भी आप ट्रेडिशनल टैब यूज़ करना चाहते हैं तो सिंपल सा है, यहाँ जाएंगे एक नया टैब ऐड करेंगे, इसको भी आप कुछ दे दीजिए। इसमें एक और ब्लॉग दिखा देते हैं, माई ब्लॉग टू, इसमें यही रहने देते हैं, सेव कर देते हैं। ये देखिए आ गया माई ब्लॉग टू, जिसमें एक केवल इमेज है, ठीक है। और देखते हैं इसमें दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्विक टैब। अब अकॉर्डियन के लिए हमें यूज़ करना है, तो इस पर बस यूज़ आप सेव कर दीजिए चेंज करके। अब देखिए दोस्तों, ये आपका अकॉर्डियन में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल सा, कुछ नहीं करना है। ये देखिए हो गया, ये देखिए, फिर चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आप कुछ जेक्वेरी का ऑप्शन भी दिख रहा है कि कोलैप्स जो आपको मतलब खुलता और बंद हो जाए, और ये ऑटो हाइट मतलब कंटेंट के अकॉर्डिंग मतलब हाइट सेट कर लेगा। तो ये एक तरीके से सही है, क्योंकि अगर हम लोग ये ऑटो हाइट सेट नहीं करेंगे तो
इशू हो सकता है, क्योंकि उसकी मैक्स हाइट से जब भी कंटेंट आएगा तो वो बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब इसकी देखिए हाइट सेट हो गई, देख रहे हैं आप। ठीक है, अब इसको एडिट करते हैं, फिर से चेक करते हैं, ऑटो हाइट हटाते हैं, सेव करते हैं। ये देखिए ऑटो हाइट ले लिया उसने अपने हिसाब से। ठीक है, तो अपने हिसाब से जितने भी कंटेंट होगा वो अपना ऑटो हाइट ले लेगा। ठीक है, अब चलते हैं एडिट मोड पे, लास्ट वाला देते हैं, यूआई टैब क्या है, सेव करते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक पूरा एक टैब के अंदर एक मतलब एक ब्लॉक बन गया, उसके अंदर एक के तीन आ गए ये। ठीक है, तो दोस्तों ये था कि हम अपनी वेबसाइट में कुछ टैब, जो टैबिंग सिस्टम है अपने ड्रूपल की वेबसाइट पे, टैब कैसे ऐड करें, ये था। अब कितने भी आप टैब ऐड कर सकते हैं इसमें अपनी वेबसाइट पे, कुछ भी जैसे भी आपको स्ट्रक्चर दिखाना है, और अपनी डिफ़ॉल्ट थीम अगर लगानी है तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों कि हम अपने वेबसाइट में कैसे टैब सिस्टम यूज़ करें। दोस्तों टैब सिस्टम हम लोग व्यू के थ्रू भी बना सकते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट कुछ वीडियोस में कवर करेंगे कि कैसे हम और तरीके से क्विक टैब जो हो हमारा है वो यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।